अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे जो लेक्चर बना रहे हैं कि जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने दो एग्जांपल किए थे, अब आते हैं थर्ड की तरफ। अब थर्ड में क्या कर रहा है, थ्री पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ए 2.5 बी -1.1 एंड कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बी सी एंड ऑफ सी ए एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ऑल्सो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए बी एंड ऑफ सी एफ वेयर एफ इज ऑन ए बी एंड सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना नजर आ रहा है। चलो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ये पॉइंट्स, फिर और भी आसान हो जाएगा। तो पॉइंट्स कौन से हैं, ए बी और सी ए, तीन पॉइंट्स है। हम कार्टेशियन प्लान पे ड्रॉ करेंगे, ए है 2.5 तो 1 2, एक्स 2 है तो 2 5, वाई है 1 2 3 4 5, यहाँ पे मिलेगी 2.5, ये ए का पॉइंट है। और बी का क्या है, -1.1 तो ये एक्स नेगेटिव है 1 और वाई पॉजिटिव है, ये यहाँ पे मिलेगी तो बी का पॉइंट है -1.1 एंड सी की है 2.1, दोनों पॉजिटिव हैं तो 2x का ये वाई का 1, ये यहाँ पे ये सी का पॉइंट 2.1। अब आते हैं हम इसको ड्रॉ करेंगे, ये यहाँ पे बनेगा ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करा है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बी सी एंड ऑफ सी ए। बी और सी की हम लेंथ मालूम करेंगे, ये बी है और ये सी है, इन दोनों की लेंथ एंड सी ए, ये सी और ये ए, इन दोनों की लेंथ मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम कैसे फाइंड करते हैं इसकी लेंथ, बी सी की लेंथ, ये वाला फार्मूला है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। तो B ये वाला पॉइंट है और ये C ये वाला पॉइंट, तो B और C ये x2 है, 2 में से 1 माइनस करेंगे, 2 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस, और ये x2 y2 माइनस y1, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब B C विच इज इक्वल टू, ये होगा 3 का स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 9, रेडिकल 9। तो बी सी की लेंथ जो हमें मिली वो क्या है, वो 3 है। अब उसके बाद है द लेंथ ऑफ सी ए, अब सी ए की लेंथ क्या होगी, ये सी और ये यहाँ तक, सेम तरीके से हम फाइंड करेंगे ये फार्मूला लगा के। सी ए, अब ये सी है ये ए है, तो एक्स टू टू में से -2 का होल स्क्वायर प्लस, ये वाई टू है 1 -4 -5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगी, ये 0 का स्क्वायर 0, ये प्लस ये -4 का स्क्वायर। अब इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी लेंथ आ जाएगी, ये 16 आ जाएगा, ये बराबर होगा 4 के। अब हमने लेंथ ऑफ बी सी फाइंड कर ली एंड लेंथ ऑफ सी ए फाइंड कर ली। अब फर्दर क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब ये जो ट्राइंगल है ए बी बी और सी, इस सारे ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। तो आते हैं हम एरिया की तरफ। जैसे मैं प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बेस और हाइट का पता होना चाहिए। तो हमने ये फाइंड कर ली बी और सी जो इसका बेस है, और सी ए की लेंथ भी हमने फाइंड की थी जो इसकी हाइट है। तो फार्मूला क्या है ट्राइंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2। अब हमें बेस पता है, बेस हमने क्या निकाला था, ये वाला जो 3 था, और बी सी की लेंथ जो हमने निकाली थी तो पीछे वो 3 थी, और जो ए सी की हमने लेंथ फाइंड की थी वो इसकी असल में हाइट है, तो उसकी हाइट कौन सी थी, वो 4 थी जो हमने निकाली थी। तो एरिया विच इज इक्वल टू 1/2, ये आप इसे ये वाले कैंसिल कर लें तो ये आ जाएगा, इसकी एरिया आ जाएगी 6। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो इसका ट्राइंगल का जो एरिया है वो हमें क्या मिला, वो 6 मिला। अब आगे क्या करा है, आल्सो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बी ए बी एंड ऑफ सी एफ।
where f is on ab and cf is perpendicular to ab. अब फर्दर सॉल्व करते हैं हम इसको. सो हमने लेंथ फाइंड कर ली जो कह रहा था क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ बी सी एंड ऑफ सी ए, एंड हमने एरिया भी फाइंड कर ली ए बी सी ट्राइंगल की सारे की. अब आगे कह रहा है आल्सो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए बी एंड ऑफ सी एफ, योर एफ इज ऑन ए बी एंड सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी. अब हमें ए बी की लेंथ मालूम करनी है हमें, ए और बी की लेंथ. वो कह रहा है कि एंड ऑल्सो सी एफ, योर एफ इज ऑन ए बी एंड सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी. सबसे पहले हम ए बी की लेंथ फाइंड करें डिस्टेंस फार्मूला से, जैसे पहले ही फाइंड की गई लेंथ. तो आते हैं ए लेंथ ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू बाय डिस्टेंस फार्मूला ए और बी. अब बी ये है तो एक्स टू, ये एक्स वन है, तो माइनस वन माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस फार्मूला की बीच में, और ये वाई टू माइनस वाई वन, वन माइनस फाइव का होल स्क्वायर. तो लेंथ ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू ये होगा थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन होगा, माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस ये माइनस फोर का स्क्वायर. तो लेंथ ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नाइन, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर का स्क्वायर है, पॉजिटिव नंबर है इवन, तो ये हो जाएगा नाइन प्लस ये हो जाएगा सिक्सटीन रेडिकल. अब ए बी विच इज इक्वल टू नाइन और सिक्सटीन, ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव का रेडिकल निकलेगा फाइव. अब लेंथ ऑफ जो ए बी है यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी है फाइव. अब आगे कह रहा है ए बी की लेंथ हमने फाइंड कर ली एंड ऑफ सी एफ, सी एफ की भी ऑफ लेंथ ऑफ सी एफ, वेयर एफ इज ऑन ए बी एंड सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी. यहाँ पे कह रहा है कि एंड ऑफ सी एफ, अब हमें ये पता है कि यहाँ पे ए है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, लेकिन हमें एफ पता नहीं कि एफ पॉइंट कहाँ पे है. तो वो खुद कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि वेयर एफ इज ऑन ए बी, जो एफ पॉइंट है वो ए बी पे है, तो इसका मतलब ए बी ये है तो एफ पॉइंट यहाँ है, एंड सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी. अब सी एफ ये है परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ए बी ये है, ये परपेंडिकुलर ये इसके होगी. तो यहाँ पे एफ जो पॉइंट है वो कह रहा है कि एफ इज ऑन ए बी, ये ए और बी पे पॉइंट एफ है, एंड सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये सी है, ये एफ है, ये सी एफ जो पॉइंट है वो परपेंडिकुलर है ए बी के परपेंडिकुलर है ये वाले पॉइंट. अब कह रहा है कि वेयर एफ इज ऑन ए बी एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी. अब हमें ए बी की लेंथ हमने फाइंड कर ली, अब उसके बाद कह रहा है कि आप सी एफ की बी लेंथ आप फाइंड करें. तो ये सी एफ की हम लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्व करते हैं आगे. हमें पता है कि अगर हम इस ट्रायंगल को ऐसे करके कि सपोज करें हम ऐसे रख रहे हैं, इस ट्रायंगल को ऐसे कर रहे हैं, तो ये एफ पॉइंट यहाँ पे है, ये वाली ये ए है, ये बी है, और सी हम ऊपर कर रहे हैं इसको. तो असल में हमें क्या कह रहा है कि ये वाली सी एफ का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. अगर हम इस ट्रायंगल को ऐसे रख रहे हैं तो असल में हमें सी एफ की लेंथ फाइंड करनी है. अब वो कैसे होगी, जाहिर सी बात है हमें एक तो बेस होना चाहिए इसका और ये वाली लेंथ होनी चाहिए. सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें आप तो ये इसकी ये लेंथ है, हाइट हाइट है इसकी, और जो ए बी है इसका यहाँ पे एफ पॉइंट है, ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है. अब हमें सी एफ की लेंथ फाइंड करनी है. तो हमें पता है कैसे होगी, अगर हमें हमारे पास हाइट भी है और हमारे पास बेस भी है तो हम इजीली एरिया का जो ट्रायंगल का जो एरिया है वो फार्मूला लगा के हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से. तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच इज इक्वल टू वन अपॉन टू बेस इनटू हाइट. हमें पता है बेस भी हमें मिला हुआ है और हाइट भी हमें मिली हुई है. अब ये एरिया, अब एरिया किसके बराबर है, हमने पीछे फाइंड किया था जो एरिया ट्रायंगल का एरिया था वो हमने सिक्स निकाला था. तो ए व्हिच इज इक्वल ये सिक्स और वन बाय टू. अब बेस इसका क्या है, ये ए और बी इसका बेस है, जो हमने ए बी की लेंथ फाइंड की थी और जो हमने प्रीवियस निकाली थी वो थी इसकी फाइव. और यहाँ पे हाइट कौन सी है, हाइट इसकी सी एफ है, ये हमें फाइंड करनी है. तो हम ये एज इट एज रखेंगे यहाँ पे. तो सिक्स व्हिच इज इक्वल टू, अगर आप इसे करेंगे सिक्स मल्टीप्लाई बाय टू इधर लेके आए, टू व्हिच इज इक्वल टू फाइव सी एफ, तो ये हो जाएगा ट्वेल्व, ट्वेल्व अपॉन फाइव व्हिच इज इक्वल टू सी एफ. अब ये हमें
सी एफ की लेंथ मिल गई। सो ये हमने फाइंड कर ली लेंथ ऑफ बी सी सी ए एंड ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड लेंथ ऑफ ए बी एंड सी एफ एंड एफ इज ऑन ए बी एंड सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अगर आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको ये कह रहा है कि एफ इज ऑन ए बी एंड सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो आप वहां पे सिर्फ ये देखेंगे वो पॉइंट कौन सी कह रहा है, जो एफ पॉइंट ए बी पे है या सी एफ पे है वो आप रखेंगे। और सी एफ जो परपेंडिकुलर कह रहा है असल में वो हाइट ही है। अब हाइट आपको कैसे फाइंड करनी है वो आप ट्रायंगल का फार्मूला लगा के आप वहां से फाइंड कर सकते हैं। और हाँ एक बात यह भी बता दूं कि आप हम एक तो डिस्टेंस दो पॉइंट्स हमारे पास होती हैं उनका डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। वो डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं हम, इजिली हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं उससे हम दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब इसका दूसरा मेथड भी है, आप अगर आप बिना यूज फार्मूला किए आप कैसे फाइंड कर सकते हो दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, उसका उसकी एक ट्रिक यह है। सपोज करेंगे इसकी ए बी और सी की लेंथ फाइंड करना चाहता हूँ जो हमने पीछे निकाली थी, बी और सी की मैं दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखें बी की पॉइंट क्या है माइनस वन कॉमा वन है एंड सी की पॉइंट क्या है टू कॉमा वन। अब बिना डिस्टेंस फार्मूला यूज किए आप कैसे इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। अगर आप यहाँ देखेंगे एक्स देखें आप माइनस वन है, यहाँ पे एक्स कौन सी है ये टू है, इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं है। अगर दोनों एक्स सेम है तो आप बड़ी वाई में से छोटी वाई को माइनस करोगे। अगर आप देखें दोनों वाई सेम है तो बड़ी एक्स में से छोटी वाई छोटी एक्स माइनस करोगे। यहाँ पे ये एक्स दोनों डिफरेंट हैं तो इनको छोड़ें। यहाँ पे देखें ये वाई और ये वाई दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम है तो आपको क्या करना पड़ेगा बड़ी एक्स में से छोटी एक्स माइनस करनी पड़ेगी। तो टू माइनस माइनस वन विच इज इक्वल टू टू प्लस वन थ्री। जो हमने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने जो बी और सी का डिस्टेंस निकाला था दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस वो हमने थ्री निकाला था, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे भी थ्री है। अगर आप इसी तरीके से अगर आप ए और सी का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हो तो इसी तरीके से होगा बिना डिस्टेंस फार्मूला यूज किए सी और ए इन दोनों का डिस्टेंस। एक तो हम डिस्टेंस फार्मूला से यूज करते हैं लेकिन अगर दोनों पॉइंट्स अगर आपको देखेंगे एक्स दोनों में सेम है तो वाई बड़ी वाई में से छोटी वाई माइनस करेंगे, अगर वाई सेम है तो बड़ी एक्स में से छोटी एक्स माइनस करेंगे। यहाँ पे देखें ए ए का पॉइंट क्या है, ए का है टू कॉमा फाइव एंड सी का क्या है टू कॉमा वन। अब यहाँ पे देखें कौन सा सेम है, एक्स सेम है दोनों या वाई सेम है, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए हम दोनों एक्स सेम है, दोनों एक्स सेम है तो हम बड़ी यहाँ से बड़ी वाई में से छोटी वाई माइनस करेंगे, तो बड़ी वाई ये तो सी ए विच इज इक्वल टू फाइव माइनस वन विच इज इक्वल टू फोर। जो हमने स्टार्टिंग लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने सी ए सी का या सी ए का डिस्टेंस जो फाइंड किया था हमने वो उसका फोर निकाला था। तो आप दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस ऐसे भी फाइंड कर सकते हो लेकिन एक शर्त है जब आपके पास या तो दोनों एक्स सेम हो या तो आपके पास दोनों वाई सेम हो तभी आप ये वाला ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। हमने जो प्रीवियस लेक्चर से हमने रिकॉर्ड किए थे उसमें हमने सारे एग्जाम्पल्स किए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, अब आते हैं उन्हीं एग्जाम्पल्स को समझ के हम 7.1 सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी वेयर ए बी सी एंड डी पॉइंट्स आर गिवन टू यू। अब इसमें आप एक बात नोट कीजिए, क्या ये रेक्टेंगल है जो मैंने शेप में यहाँ पे बनाई हुई है, क्वेश्चन में ये दिया गया हुआ है कि आप रेक्टेंगल के एरिया और इसकी उसका पेरीमीटर फाइंड करें। अगर आप यहाँ पे देखें रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, जैसे कि ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों इक्वल होंगी और ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल होंगी। लेकिन स्क्वायर क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं एक दूसरे के। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ये यहाँ पे आपको रेक्टेंगल दिया गया है मगर क्वेश्चन में ये गलती है, गलती क्या है, यहाँ पे ये स्क्वायर है रेक्टेंगल नहीं है लेकिन क्वेश्चन में रेक्टेंगल लिखा हुआ है। क्योंकि आप जब ये पॉइंट्स लेके ए बी सी डी आप बोर्ड पे ड्रॉ करोगे तो आपको स्क्वायर की फॉर्म आ जाएगी। अगर आपको ऐसे भी नहीं पता चल रहा तो आप क्या करें, सारों की साइड्स निकालें, फिर अगर सारों की साइड सेम आ रही है तो इसका मतलब ये स्क्वायर है, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल है। लेकिन इसकी भी सेवन लेंथ है डी ए की और ए बी की लेंथ भी सेवन है और डी सी की भी लेंथ सेवन ही है,
तो इससे क्या पता चलता है कि जो गिवन जो फिगर है हमारे पास वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन में एक गलती है जो वहां पे रेक्टेंगल लिखा है उन्होंने, यहाँ पे ये है स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि इसके पेरीमीटर फाइंड करना है और इसकी एरिया फाइंड करनी है। तो पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है कि द सम ऑफ ऑल साइड्स, अगर आपके पास कोई भी फिगर है, आप उसकी जो पेरीमीटर उसका जो फाइंड करना चाहते हैं, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो आप सिंपली आप जस्ट स्क्वायर की एक साइड फाइंड करेंगे, जो भी उसकी साइड होगी वो सारों की साइड होगी। अगर सपोज करें इसकी लेंथ जो है वो 7 है या 4 है, कोई भी है, तो इसकी भी वो सेम ही होगी, इसकी भी सेम होगी और इसके भी सेम ही होगी। तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं? एरिया का होता है, अगर आपके पास कोई भी लेंथ हो उसकी, डीसी की लेंथ सपोज करें वो 5 है या 7 है, तो आप सिंपली उसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास वो एरिया मिल जाएगी उसकी। और पेरीमीटर कैसे मिलेगा? आप उसी लेंथ को लेके सारी लेंथ को सम करेंगे तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। जो तो आइए सॉल्व करते हैं इसका एरिया और इसका पेरीमीटर। सबसे पहले क्या कह रहा है, पेरीमीटर इसका फाइंड करें। तो पेरीमीटर से पहले हम क्या करेंगे, इसका इसी की कोई भी हम एक लेंथ फाइंड करेंगे। यहां पे देखिए, अगर आप, हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड किया था कि कैसे हम दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करते हैं, अगर अभी आप देखेंगे यहाँ पे भी एक सेम है, यहाँ पे भी एक सेम है, तो आप बड़ी वाई में से छोटी वाई माइनस करेंगे तो डीसी की लेंथ क्या होगी, विच इज इक्वल टू, ये दोनों सेम है, एक्स और ये भी एक्स, तो 5 में से माइनस 2 करेंगे, 5 माइनस माइनस का 2 विच इज इक्वल टू 7। डीसी की लेंथ क्या आ गई, 7 आ गई। अब जबकि ये स्क्वायर है तो इसकी भी 7 लेंथ होगी, इसकी भी 7 लेंथ, इसकी भी 7 होगी और इसकी भी 7 होगी। हमें फाइंड करने की और जो लेंथ्स हैं फाइंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स अपोजिट में इक्वल होती हैं। हमने ये वाली फाइंड कर ली, ये 7 है, तो इसका मतलब ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। अगर आपको ऐसे नहीं पता चला, आप खुद फाइंड करके देखें, सारों की 7 ही आएगी। तो हमें एक ये मिल गई 7। अब हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है और इसके एरिया फाइंड करनी है। तो पेरीमीटर क्या है बेसिकली, पेरीमीटर व्हिच इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। अब इन सारों को हमें सम करना है, तो हमें इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। तो पेरीमीटर व्हिच इज इक्वल टू 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, तो 4 साइड्स हैं, तो ये कितना हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू ये 1 2 3 4, 4 × 7 व्हिच इज इक्वल टू 28। तो इसका जो पेरीमीटर है वो 28 है। अब इसकी एरिया क्या होगी? अब एरिया का सिंपल क्या फॉर्मूला है स्क्वायर का, आपके पास कोई भी एक लेंथ हो, आप सिंपली स्क्वायर स्क्वायर कीजिए। आपके पास हमने क्या निकाली थी लेंथ डी और सी की, 7, तो आप सिंपली 7 का स्क्वायर करेंगे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू किसी भी लेंथ का आप स्क्वायर करें, सपोज करें एक्स का स्क्वायर, कोई भी आप वेरिएबल आप कोई भी रख सकते हैं। तो हमारे पास ये कौन सा है, वो 7 है, तो आप सिंपली 7 का स्क्वायर करेंगे, वो 49 है। तो इसका पेरीमीटर 28 है और इसकी जो एरिया है वो है इसकी 28। तो आप सिंपली ये याद रख लें, जब भी आपके पास कोई भी आपके पास फिगर है, तो आप वहां से कैसे जानेंगे कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है? तो रेक्टेंगल सिंपली बेसिकली क्या होता है कि वो उसकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, और ये अपोजिट वाली ये इक्वल होती हैं, और स्क्वायर में क्या होता है कि सारों की साइड्स इक्वल होती हैं। सो दिस इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन देम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, 7.1 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब ये क्वेश्चन एज इट एज जो हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में जो पहला पहला हमने एग्जाम्पल समझाया था, वो बिल्कुल इससे रिलेटेड है। दोनों सेम है, सिर्फ फिगर चेंज है और वर्डिंग चेंज है, इसकी जो पॉइंट्स हैं वो अलग अलग हैं एंड है बिल्कुल सेम उस जैसा। तो इसमें क्या कर रहा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी शोन इन द डायग्राम, हैंस फाइंड द लेंथ ऑफ ए एफ। अब इस फिगर में हमें क्या करना है कि एरिया फाइंड करनी है हमें ए बी सी की, और ए एफ की लेंथ फाइंड करनी है हमें, जो ये वाली है, ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है हमें ये फाइंड करनी है। सबसे पहले एरिया फाइंड करते हैं, तो आपको पता है कि जब भी हम ट्रायंगल की एरिया फाइंड करते हैं तो उससे उसकी हमें हमारे पास दो चीज़ें होने जरूरी हैं,
एक तो उसकी हाइट होना चाहिए, होनी चाहिए, और एक उसका बेस होना चाहिए। अब इसका बेस यहाँ पे कौन सा है, ये वाला इसका बेस है, ठीक है। अब इसकी हाइट आप दो तरीकों से फाइंड कर सकते हैं, या तो यहां से लेके ये वाले हाइट ले लें, ये वाले हाइट ले लें यहां से, या फिर यहां से लें ये वाली, तब भी आपको सेम ही आएगी। अब सबसे पहले हम बेस फाइंड करते हैं, जो इसका बेस है वो सी ए, सी ए इसका बेस है, वो कैसे फाइंड करेंगे, वही सेम डिस्टेंस फार्मूले से हम इसका बेस फाइंड करेंगे, बेस विच इज इक्वल टू सी एफ। अब सी एफ सी ए सॉरी सी ए इसका हम बेस फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखें ये y और y दोनों ये सेम ही है, दोनों y सेम है तो हम बड़ी x में से छोटी x माइनस करेंगे, तो इसका क्या आएगा, 6 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4, तो बेस बराबर है 4 के। आप यही आप जो बेस फाइंड करेंगे आप डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं, और या ऐसे ही इस मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसका बेस 4 आ गया। अब इसकी हाइट कौन सी है, ये वाली हाइट हम ले रहे हैं यहाँ से लेके ये वाली हाइट, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें ये वाली पॉइंट कौन सी होगी, तो ठीक यहाँ से नीचे देखिए, यहाँ पे नीचे है x14, यहाँ पे ये वाली पॉइंट x14 है। अगर आप ऊपर जाएंगे तो x सेम ही रहेगा, यहाँ पे x14 ही होगा, 14 ही होगा x, और यहाँ पे y कौन सी है, तो यहाँ पे x, ये x जितना भी ऊपर जाएगा सेम ही रहेगा, 14 ही होगा ऊपर, और यहाँ पे y कौन सी है, y कितनी है, y 4 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ से y कितनी बार जाएगी, y सेम ही रहेगी, यहाँ पे 4 सेम ही रहेगा। तो ये वाली पॉइंट होगी तो क्या होगी, 14.4। अब यहाँ पे देखिए ये वाली हाइट कैसे, इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखिए 4, ये 14 और 14 दोनों सेम है, तो बड़ी वायर में से हम छोटी वायर माइनस करेंगे, तो हाइट विच इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे करते हैं कि नाम दे देते हैं B1, तो ये क्या होगा, हाइट बी और B1 इसकी बराबर होगी, ये x दोनों सेम है 14 और 14, अब 4 में से हम बड़ी वायर में से छोटी वायर माइनस करेंगे, तो 4 माइनस ये माइनस का 1, तो ये कितना होगा, ये 5 हो जाएगा। अब हाइट हमारे पास क्या है, विच इज इक्वल टू 5। अब हमें इसकी एरिया फाइंड करनी है, तो हमें ये बेस भी मिल गया और इसकी हाइट भी मिल गई, तो सिंपली एरिया का फार्मूला है 1/2 बेस इनटू हाइट। अब एरिया विच इज इक्वल टू 1/2, बेस हमारे पास क्या है, 4 है, और इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट है 5, तो यहाँ पे 5 पुट करेंगे, ये इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 5 विच इज इक्वल टू 10, एरिया इसकी हमें 10 मिल गई। अब ये थी इसकी एरिया जो हमें 10 मिल गई, यहाँ से हमने बेस निकाला और ये वाली हाइट ले ली। अगर आप सेम ही अगर हाइट आप यहाँ से लेना चाहते हो तो सेम तरीके से आप यहाँ से ले लो, ऐसे पॉइंट ड्रॉ करके यहाँ से ऐसे लोगे, ठीक है। तो हमने हाइट बेस भी फाइंड कर लिया, हाइट भी फाइंड कर ली, यहाँ पे फार्मूले में पुट किया था, हमें एरिया मिल गई 10। अब इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हैंस फाइंड द लेंथ ऑफ ए एफ। अब हमें ए एफ की लेंथ फाइंड करनी है, जो है परपेंडिकुलर टू सी और बी के परपेंडिकुलर है एफ की लेंथ, तो फाइंड करते हैं ये वाली लेंथ। अब सेम मेथड से जैसे हमने एग्जांपल स्टार्टिंग में, इस लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने जो एग्जांपल किया था थर्ड नंबर, उसी तरह आप इसी फिगर को अगर आप ऐसे रखें, रीअरेंज करें, अगर मैं ऐसे रखता हूं तो ये कैसे बनेगी, ऐसे ही, तो यहाँ पे ए एफ यहाँ पे रखते हैं, अगर सपोज करें ये वाली, और ये यहाँ पे ऊपर है इसका ए, और यहाँ भी सी और ये बी, दोनों से हम पढ़िए। अब हमें ये वाली फाइंड करनी है एफ की लेंथ। अगर आप सिंपली देखें ये एफ जो है इज सिंपली नथिंग बट द हाइट ऑफ ट्राइंगल, तो ये इसकी जो नीचे है ये इसका बेस है सी बी, और ये इसकी हाइट है। अब हमें हाइट और बेस दोनों हैं, तो हम एरिया का फार्मूला यूज करके हम ये फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल थर्ड में किया था, तो 1/2 बेस इनटू हाइट। अब एरिया में हमने क्या फाइंड की थी, इसकी 10 थी, विच इज इक्वल टू 1/2। अब इसका बेस क्या है, इसका इसका बेस ये वाला है सी और बी,
और c और b के हमने डिस्टेंस फाइंड नहीं किया, तो हम c और b का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। यहाँ पे दोनों पॉइंट्स डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो c और b का आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। तो c और b, अब यहाँ पे x2 क्या है, 2 है, तो 2 माइनस 14 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 4 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो c और b की जो 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 डिस्टेंस आएगा तो यहाँ से माइनस 12 होगा स्क्वायर, फिर ये क्या होगा 5 प्लस 5 का स्क्वायर। तो c और b का आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 12 का स्क्वायर 144 आएगा, ये 25 आएगा रेडिकल। अब c और b इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये रेडिकल 169 जो के 13 के बराबर है। अब हमें c और b का भी डिस्टेंस मिल गया जो इसका ये बेस है, तो यहाँ पे हम बेस पुट करेंगे 30, और हाइट क्या है, हाइट ये वाली है AF जो हमें ये फाइंड करनी है, आपको सेम रखनी है यहाँ पे। तो आप इसको इसके लिए सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो 10 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय AF, तो ये होगा 20, और यहाँ भी ये डिवाइड में आ जाएगा 13 विच इज इक्वल टू AF। तो ये है इसकी लेंथ AF जो है परपेंडिकुलर टू C और B की। सो थैंक यू।